सलार ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पर जवान पठान को क्रॉस करना अब मुश्किल लग रहा है। पहले दूसरे दिन का कलेक्शन देख के लग रहा था ये फिल्म 2000 करोड़ भी कमा सकती है, पर संडे के बाद जो ग्राफ नीचे आया उससे लगता है फिल्म जवान की कलेक्शन तक जाकर रुक जाएगी और डंकी का कलेक्शन डे बाई डे बढ़ रहा है। ये शाहरुख खान का ही जादू समझो कि एक सिंगल लैंग्वेज मूवी एक मल्टीपल और बड़े बजट की फिल्म के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन की हुई है। सब बताता हूँ किसने कितना कमाया और कितना झूठ चल रहा है यूट्यूब पर। सलार ने 3 दिन में 400 करोड़ कमा लिए थे, लग रहा था तूफान आने वाला है, पर मंडे से टुंडी पड़ गई। डंकी की 5 दिन स्क्रीनिंग हुई राष्ट्रपति भवन में, फिल्म में उछाल देखने को मिला और पहुंच गई थी 254 करोड़ की अर्निंग के पास। पर कंपटीशन डंकी से नहीं पठान और जवान से है, वो दोनों फिल्में मल्टी लैंग्वेज में है और एक्शन मूवीज हैं। अगर सलार पूरे हफ्ते भी अच्छा करती है तो 1100 करोड़ के आसपास सिमट रही है। जवान का कलेक्शन 1200 करोड़ प्लस है। लोग बोल रहे हैं डंकी को सलार से फायदा हो गया, तो सलार फैन कम कलेक्शन को देख के कह रहे हैं प्रभास की मूवी की कार पार्किंग की फीस के बराबर कमाई की है डंकी। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ बेवकूफ से आने वाली 10 मूवी भी इसी तरह हिट हो जाए तो शाहरुख खान की मूवीज के कंपैरिजन में 0 ही रहेगा।